In fact, first match में हम जीते, there was a miscalculation that was done, so we are 2 points ahead. हाँ, ये match में थोड़ी low score हो गई है batting में, लेकिन fielding बाकी है. So we'll see how it goes. We'll try to field well and bowl well and save all the runs we can. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. ये अलग किस्म का क्रिकेट है, अंडरआर्म गली क्रिकेट जैसा क्रिकेट है. तो ये अब बचपने में बहुत खेलते थे, तो यहाँ अभी देख के थोड़ा सा ये हल्के से प्रोफेशनल हो गए हैं. तो इट्स गुड एंड मज़ा आ रहा है. क्रिकेट का तो शौक सबको है एंड इस पूरे देश को है. तो क्रिकेट इज़ अ लव स्पोर्ट एंड कहीं पर भी हो कैसे भी हो. एंड नाउ सोहेल्स इन्वॉल्व, तो आई लाइक टू कम एंड वॉच. सर, किस तरह की तैयारियां दे रही हैं इस आज वाले मैच के लिए? अरे कोई तैयारी नहीं की है, इसलिए तो ये हालत है. इसलिए तो ये हालत है. नो वी आर जस्ट रीग्रुपिंग. जो हमारी मुंबई हीरोज़ की टीम है, जब दानिश ने कहा कि ये ही इज ऑर्गेनाइजिंग दिस टूर्नामेंट, सो इट्स एन एक्सक्यूज़ फॉर अस कि हम सब टीम मेंबर्स मिलके खेले. इसलिए जब विकेट जाती है तो हम हंसते हैं और जब आउट होते हैं हम हंसते हैं. इट डजंट वी आर एंजॉयिंग आवरसेल्व्स मोर देन थ्राइविंग टू विन. वी आर हियर टू एंजॉय आवरसेल्व्स. इट्स अ ग्रेट एटमोसफियर एंड हम सबको मजा आ रहा है. सर, आप खेलते हुए नजर नहीं आए, इसके बारे में आप भी खेलेंगे आगे चलकर? आई माइट प्ले. हो सकता है कि कोई एक टीम से जुड़ जाऊँ. इनकी तो टीम है ही. कोई और टीम, हमारे एक दोस्त हैं, उनकी भी एक टीम है. उन्होंने उस टीम का नाम दबंग रख लिया है. तो उस चक्कर में मैं आया हूँ. तो उनको भी सपोर्ट करने के लिए, ऑफ कोर्स मुंबई इंडियंस को मैं सपोर्ट करता हूँ बिकॉज ऑफ सोहेल, बट दी अदर टीम्स आल्सो एंड आई विश देम ऑल वेरी द वेरी बेस्ट. आई एम वेरी हैप्पी ये लोग यहाँ आए, खेल रहे हैं. ये दे आर पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट, दे आर प्लेइंग दिस लीग विद अस. एक्सट्रीमली हैप्पी. कब विल प्ले? जी, ये फिल्म भी आ रही है जीना ऐसे के नाम, इसके बारे में थोड़ा बताइए. प्रेम जी भी साथ में थे, क्या-क्या उसका रिस्पांस आ रहा है? वेल, अभी 3rd of March को रिलीज होने वाली है फिल्म और उसके प्रोमोज आउट है. उसका म्यूजिक भी रिलीज्ड है. म्यूजिक अच्छा है फिल्म का. एक एनसेंबल कास्ट है उसमें. मंजरी फडनेस है, हिमांश कोहली है, मैं हूँ और सुप्रिया पाठक जी हैं, प्रेम चोपड़ा जी हैं. तो एक अलग किस्म की फिल्म है. थोड़ी सी उसका नैरेटिव बड़ा सिंपल, इंटरेस्टिंग, इमोशनल फिल्म है. जिंदगी के ऊपर है, उतार चढ़ाव और हाउ उसके बावजूद भी अगर आप खुश रहते हैं, अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाते हैं. जीना इसी का नाम है. उसमें छोटी छोटी कहानियां हैं जो मेन कहानी से जुड़ी हुई हैं. उसके ऊपर है फिल्म. सर, जैसे कि फिल्म का टाइटल है जीना इसी का नाम, तो आपको लगता है लोगों को एक जीने के प्रति कोई नई उम्मीद मिलेगी या कोई एक मैसेज मिलेगा? नहीं, आई डोंट थिंक इट इज़ अ मैसेज ओरिएंटेड फिल्म. इट इज़ प्योरली फॉर एंटरटेनमेंट एंड इट्स अ डायरेक्टर्स विजन ऑफ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. इसमें अगर कोई सीख लेके चला जाता है तो ठीक है, बट ऐसे कोई मैसेज के लिए बनाई नहीं गई है फिल्म. दबंग 3 के लिए सब वेट कर रहे, तो कब वेट खत्म होगा? अब उसके ऊपर काम चलेगा इस साल और इंशाल्लाह जब भाई की डेट्स फ्री होंगे अगले साल तो हम शुरू करेंगे. थैंक यू सो मच.